दौसा देवलपाड़ा निवासी राधामोहन पुत्र राम फूल मीड़ा सेंथल मोड़ पर एक दुकान पर पानी के टैंकर की ट्रॉली को बिल्डिंग करवाने के लिए दौसा आया था। वो टैंक के ऊपर बिल्डिंग करवा रहा था कि खड़ा होने पर बिजली के तार के छू जाने से वो बेहोश हो गया, जिसको चिकित्सालय में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मुर्दा घर ही रखवा दिया गया। फिर मृतक के परिजनों के पहुंचने पर पुलिस का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि राधा मोहन दिल्ली में DTC की बस का ड्राइवर है जो छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। मृतक राधा मोहन सनोरामपुर जाति मेड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। निवासी देवनपाड़ा का है। ये सेथल मोड़ के पास एक ट्रक पर काम कर रहा था, ऊपर से 11,000 kV लाइन गुजर रही थी, जिससे टच होने के कारण मृतक मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए जहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।